हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा ठीक है, कल करा लेंगे। हैं अरे सर, मैं ये कह रहा था आज ही करा लो, कल किसने ही देखा। क्यों, तेरे पास मेरी मौत की पक्की खबर है? अरे नहीं, मेरा मतलब है सर, सोचिए अगर आपकी कल मौत हो गई तो। ना भाड़ू, तू अपनी मौत के बारे में सोच, तू काले कौवे खा का आया? ये क्या ही करवा रहे हो यार तुम मुझसे। सर प्लीज देखिए, अगर आपकी मौत हुई तो आपके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और मुझसे पहले मेरे परिवार की मौत हो गई तो? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, मतलब तुम अपने परिवार की मौत के बारे में सोच रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज का दूत है? सर प्लीज मेरी बात मानिए, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। आपकी मौत के बाद आपके परिवार को कौन रोटी खिलाएगा। बड़ा वाला लौंडा। अरे ऐसे जलील हो तो अच्छा, तुम मुझे 5,000 रुपए कम दे करो, मैं सुबह ही 9 से 10 बजे नाच के घर को चला जाया करूंगा अपने। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हो। अच्छा, बेच रहे हो क्या कंपनी? बकवास मत करो, रिचार्ज क्यों नहीं कराया, 1 महीना हो गया सिम पे। अजय, हम तुम्हारी सिम पे रिचार्ज क्यों कराएंगे? अरे मेरी सिम पे नहीं, तुमने अपनी सिम पे रिचार्ज क्यों नहीं कराया? वो तो हमको पीला पेशाब आ रहा था। अरे तो पीले पेशाब से रिचार्ज का क्या लेना देना है? रिचार्ज के पैसों से पेशाब की रिपोर्ट करा ली। तो एक बात बताओ, सिम पर रिचार्ज कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक भाई ये पीला पेशाब आएगा। अरे तुम्हें जिंदगी भर अगर पेशाब पीला आएगा तो तुम सिम पर रिचार्ज ही नहीं कराओगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया कभी ना कभी तो कलर बदलेगा। तो तुम एक चीज मुझे बता दो, जब तुम्हें रिचार्ज ही नहीं कराना था तो तुमने सिम क्यों ली थी? क्योंकि बीच की मिल रही थी। अरे तो जब रिचार्ज नहीं कराओगे तो ये बीच की सिम बंद हो जाएगी। और रिपोर्ट नहीं कराऊंगा भैया तो पेशाब की नाली बंद हो जाएगी। क्या बात, बड़े चुप चुप बैठे हो आज। कुछ हिसाब कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो मुझे। पहले मेरे से एक सवाल पूछो, आज मेरा दिमाग बड़ा खराब है। मैं थक गया हूँ सवाल पूछ पूछ के। कहाँ से पूछूँ, 100 सवाल पूछ लिए, मेरे पे नहीं है सवाल अब। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है, जल्दी। नहीं है, नहीं है सवाल, नहीं है। प्लीज पूछो ना। तो कहाँ से लाऊं सवाल यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मेरे से सवाल नहीं पूछा तो। माना की बेटी का नाम प्रियंका गांधी है तो बता माँ का नाम क्या होगा? ये सवाल है? हाँ सवाल है, फिर से पूछो। माना की बेटी का नाम प्रियंका गांधी है तो माँ का नाम क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन, इंदिरा गांधी। आज तो मैं जीत गई। गलत जवाब। अरे अरे, इंदिरा गांधी तो दादी थी, सोनिया गांधी। आज तो ऑडियंस भी मेरे साथ होगी, कहेंगी भाभी जी ने आज पहली बार सही जवाब दिया, यस मुझे क्या अवार्ड मिलेगा। गलत गलत जवाब, गलत जवाब। क्यों? उसकी माँ का नाम है माना गांधी। कैसे? मैं कह रहा हूँ माना की बेटी का नाम प्रियंका गांधी, माना की बेटी का नाम। माँ का नाम तो बता ही रहा हूँ, माना गांधी उसकी माँ हुई ना। फिर माना की बेटी का नाम प्रियंका गांधी तो माँ का नाम माना गांधी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और पूछूं? और पूछूं?